जय हिंद साथियों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 अगस्त से बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होना है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसका एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना है, लगातार हम प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? पटना, भागलपुर, गया या मुजफ्फरपुर? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गया में हुआ था। गया में 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, आपको बता दें कि अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिरोज शाह मेहता? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोकल। अगला क्वेश्चन है कि बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज फेमस बीज है, इसका संबंध कपास से है। किससे है? कपास से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बीटी बीज का संबंध कपास से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में आपको बता दें कि कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? आपको बता दें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कुल 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। 1893 से लेकर आपको बता दें कि 1914 तक गांधी जी कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे? भारत आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर रूल किसने अपनाई थी? आपको बता दें कि ये अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? गंधार शैली की उत्पत्ति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चरित्रहीन के उपन्यासकार शरदचंद चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरदचंद चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद चटर्जी है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक भी कौन है? बंकिम चंद चटर्जी। साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सुनार बांग्ला, उसके भी लेखक कौन है? उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसके लेखक। नेक्स्ट, अगला है, बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का संबंध किससे है? कालाहारी मरुस्थल से बुशमैन का संबंध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? दो बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस का आगे जाकर हालत खराब होने वाला है, इसकी विचारधारा सही नहीं रहने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर जो ठंडा होता है वो कैसे होता है? संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? कोहरे के दौरान जब आपको दिखाई नहीं देता है वो, उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रकाश के परकिरणन। प्रकाश के परकिरणन के कारण कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये भी राइट है, इसे भी याद रखिएगा। अर्जेंटीना पंपास, ये भी सही है। लानोज ब्राज़ील में नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, गलत है। आपको बता दें कि लानोज कोलंबिया में है। कहाँ पे है? कोलंबिया में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्बन का अपरूप। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? तापमान पे निर्भर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम कुल कितना भाग था? 22 भाग था। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको बता दे, प्रेजेंट में 25 भाग हो गया है। आप इसे VBI क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में 100% आएगा। कितने हैं? 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना होता है। किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बताइए, बिहार की सबसे प्राचीन नहर है सोन नहर। कौन सा है? सोन नहर। नेक्स्ट है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। कौन थी? फारसी। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि है जुलाई से जून। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 51 से। किससे? अनुच्छेद 51 से संबंधित है। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? बताइए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो है आपका नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नील हरित शैवाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक का उदाहरण है? अपघटक का उदाहरण है कवक। क्या है? अपघटक का उदाहरण है। किसका? अपघटक का। नेक्स्ट, 1921 का मोपला आंदोलन सखा थी, इसमें से कौन मोपला आंदोलन का सखा था? असहयोग आंदोलन मोपला आंदोलन का एक सखा था, उसी का सखा के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संविधान का 52वां क्या है? संशोधन रिलेटेड है, 52 संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कालाहारी, अटाकामा या कोलोराडो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आपको बता दें कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर का लोकटक झील फेमस है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन है वो पारादीप और हल्दिया है। कौन सा है? पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है। किस में? पृथ्वी में। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का, अवशिष्ट का, ब्लॉक का या बलित पर्वत का? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिमालयी पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? बलित पर्वत का। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ऐसा आंदोलन था जिसका शीर्ष गीत वंदे मातरम था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था क्या था? वंदे मातरम था। किर्गिस्तान की राजधानी है, बताइए किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किसकेक है। कहाँ है? विस्केक। किर्गिस्तान की राजधानी विस्केक, याद रखिएगा। 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जनगणमन कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पे? 21 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन कलकत्ता में गाया गया था, जो हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? बुध, चंद्रमा,
पृथ्वी या मंगल। आपको बता दें कि जलीय ग्रह एक ही है, वो है हमारा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पृथ्वी। तो अगर आप पारसेक डैश की एक इकाई है, ऑप्शन है त्वरण का, चाल का, समय का और लंबी दूरी का। पारसेक किसका एक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पारसेक लंबी दूरी की एक इकाई है। नेक्स्ट ऑप्शन है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ऑप्शन देख लीजिए, विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1/1000 मिलीलीटर। एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, उत्पादक या उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या होता है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ऑप्शन देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बुध सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे कम समय में सूरज का चक्कर भी लगाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को, इराक, तुर्की या ईरान से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे जोड़ता है। पालघाट किसे जोड़ता है, पालघाट दर्रा का आप नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु को क्या करता है, पालघाट जोड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्या है, अवंतिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका कितना क्वेश्चन राइट होता है, आप कितना सही ऑप्शन मारते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होल्कर ट्रॉफी का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रिज से। किससे संबंध है, ब्रिज से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एलपीजी है या फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एलपीजी है। क्या है, एलपीजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किससे बना होता है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किससे, कार्बन से बना होता है, किससे, कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक रुपया का नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग या रजिस्ट्रार जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। भारत में एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। कौन थे वो? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिए परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? यह किया था चितरंजन दास ने। चितरंजन दास 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कितने थे? 3 महाजन पद बिहार के वर्तमान क्षेत्र में स्थित थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है कि लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कुल 22 होती है। कितना होता है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ पे? दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान में? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है? बिहार का जो आर्थिक समृद्धि है विकास वो किस पे आधारित है? कृषि पे, सूचना प्रौद्योगिकी पे, विदेशी निवेश पे या उद्योगों पे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृषि पे आधारित है। किस पे? कृषि पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वर्ष 1950। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में जो राष्ट्रीय आय लेखा है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग
विटामिन B1 की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विटामिन B1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कौन सा है, मीथेन है। कोयले की खानों कार्बनिक तत्वों के सड़ने से जो बनने वाला मार्स गैस है वो कौन सा है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकंद का एक उदाहरण है, बताइए प्रकंद का कौन सा एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रकंद का उदाहरण अदरक है, कौन है, अदरक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट, कौन सा होगा, कंपोस्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, ये किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता क्षमता निम्नलिखित में से कौन तय करता है, ये तय कौन करता है, तो ये करता है द्वारक एपर्चर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्वारक एपर्चर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी, लूनी, फंक, हाल्ट या सिंगर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी, किसने, फंक ने। नेक्स्ट है जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है, विटामिन ए की कमी से रटौंधी होती है, विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है, बताइए पित्त का मुख्य कार्य क्या है, पाचन तथा श्वसन हेतु बसा का इमल्सन करना, क्या करना, बसा का इमल्सन करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये सर्वाधिक है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जो मैंग्रोव का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था, देशनायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम की, किस राज्य की है, असम की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, आपको बता दें कि पुनपुन नदी फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन है कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा, किसके द्वारा, पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग किससे संबंधित है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से वायु का वेग क्या है, संबंधित है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, कौन सी है, आलम आरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।